अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू गाइस, उम्मीद करता हूँ कि तुम खैरियत होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। रोज़ की तरह नया रिक्वायरमेंट लेके आया हूँ और जो आज का अपडेट करने वाला हूँ ये 5 स्टार होटल है। ये मालदीप कंट्री में एक 5 स्टार होटल का, वहाँ पे मतलब कंट्री वो बहुत अच्छा है, आईलैंड है एक छोटा सा, वहाँ पे सब ज़्यादातर विजिटर होते हैं, घूमने जाते हैं। तो वहाँ होटल होटल जो 5 स्टार रहने वहने के लिए ऐसा होटल का होटल बहुत सारा होता है, तो वहाँ पर ये काम है, ठीक है, 5 स्टार होटल का काम है और उसमें बहुत सारा कैटेगरी चाहिए। तो ये वीडियो मैं बहुत अच्छे से बनाने वाला हूँ और अच्छे से सारा चीज़ समझाने वाला हूँ। तो आप लोग अगर 5 स्टार होटल का जो भी उसमें काम होता है, अगर ऐसा आप जॉब सर्च कर रहे थे तो ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि कंट्री भी बहुत अच्छी है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो थोड़ा हो सकता है लॉन्ग हो, लेकिन मैं कोशिश करूँगा जल्दी से सारा चीज़ समझा लेता हूँ, बता दूँ, और यहीं पर सारा चीज़ समझ लेना है। ड्यूटी, सैलरी, काम क्या है, फैसिलिटी क्या क्या होगी, क्या क्या कैटेगरी चाहिए, और इस जॉब को अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट में क्या क्या रेडी करना है और किस नंबर पर कॉन्टेक्ट करना है, ठीक है, ये सारा चीज़ यहीं पे देख लेना है। और ये नहीं कि वीडियो भगा के उसके बाद में नंबर लेके यहाँ से और फिर डायरेक्ट आके व्हाट्सएप पे मैसेज करता रहूँ, पूछता रहूँ, तो ऐसा वाले जो है ना जिसको नहीं जाना होता है, ये ऐसे आके खाली व्हाट्सएप पे इतना व्हाट्सएप पे मैसेज भर देते हैं कि कुछ समझ में नहीं आता किसका मैसेज कहाँ जा रहा है और किससे क्या बात करना है। और उसके बाद में जब उनको जो वीडियो में बताया हूँ यही चीज़ वहाँ पर भी उनको समझाना पड़ता है, और वो चीज़ जब तक उनके समझ में बैठता है, जब तक 3-4 दिन लगा देते हैं डॉक्यूमेंट रेडी करके, जब तक भेजेंगे जब तक मालूम पड़ा कि सारा वैकेंसी खत्म हो गया, ठीक है। तो आप लोग अगर 5-10 मिनट दे के टाइम निकाल के वीडियो को एक टाइम पूरा समझ लेते हो, अच्छे से देख लेते हो, तो आपको कोई भी चीज़ डाउट क्लियर सारा चीज़ यहीं हो जाएगा। कोई चीज़ पूछने नहीं आना है कि अब एक टाइम पहले जाके और पूछ लूँ, व्हाट्सएप पे बात कर लूँ या फ़ोन करके बात कर लूँ, उसके बाद में मैं जॉब को अप्लाई करूँ। यहाँ पे मैं इतना क्लियर ही सारा चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर इसमें जाना चाह रहे हो तो सारा वीडियो यहीं पे देखो, समझ लो। अगर जाना है तो वो हिसाब से पहले डॉक्यूमेंट रेडी करो, उसके बाद में यहाँ पे जो नंबर आया है नंबर सेव कर लो, अभी लास्ट में नंबर दे दूंगा मैं, उस नंबर पर फिर डॉक्यूमेंट डालना है। अगर आपका डॉक्यूमेंट सही रहेगा तो आपको सर्विस चार्ज के बारे में बताया जाएगा, अगर इसमें अप्लाई करते हो तो ये सर्विस चार्ज है। अगर आप जाने के लिए ओके बोलते हो तो डॉक्यूमेंट आगे फॉरवर्ड होगा, फिर सिलेक्शन जैसा होगा उसको आगे बताया जाएगा कि आगे मेडिकल कहाँ करना है, कैसे डॉक्यूमेंट जमा करना है, कैसे क्या करना है, ठीक है। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। ये कंट्री है मालदीप, ठीक है, यहाँ पे एक 5 स्टार होटल है और इसका मैं डिमांड लेटर भी जो है वो अपना जो कम्युनिटी वाला पेज है जो यूट्यूब का वहाँ पर डाल दिया, वहाँ पर भी जाके आप चेक कर सकते हो। और ये देखना है कि मालदीप का वीज़ा कैसा होता है और उसके बाद में टिकट कैसा होता है। तो ये बहुत सारे बंदे जो जा रहे हैं, कंटिन्यू मालदीप का काम चल रहा है अभी ये टाइम पे, तो इसका मैं कम्युनिटी वाले पेज में अपडेट भी किया हूँ, जाके आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हो, क्योंकि वीजा सारा वर्क परमिट है, कोई विजिट उचिट वाला सिस्टम नहीं है। और इसमें पासपोर्ट भी ACR ACNR वाला सब चल जाएगा। उम्र इसमें 19 साल से और 45 साल के बीच में भी अप्लाई कर सकते हैं, ये सारा चीज़ मैं मोटा मोटा पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर जो कैटेगरी है ये मतलब ये होटल है 5 स्टार जो रहने वहने वाला होटल होता है, वहाँ पर विजिटर ज़्यादा आते हैं। और तो ये 5 स्टार होटल है, इसके अंदर किचन स्टीवर्ड चाहिए जिसका सैलरी $300 है, ठीक है। उसके बाद में गार्डनर चाहिए जिसका सैलरी $300 है। गार्डनर बोले तो जैसा मतलब जो बड़े बड़े 5 स्टार होटल होते हैं उनके बाहर साइड में गार्डन वार्डन बना वना होता रहता है, जो घास वास वाला उसमें थोड़ा कटिंग वटिंग करना, पानी वानी डालना, ये सारा काम होता है गार्डनर का। तो इसमें गार्डनर का भी रिक्वायरमेंट है, 300 गार्डनर चाहिए। और उसके बाद में इसके बाद में प्लांट अटेंडेंट चाहिए जिसका 300 सैलरी है, और रिटायर्ड अटेंडेंट चाहिए 300 सैलरी है। उसके बाद में स्टीवर्ड चाहिए जिसका सैलरी $350 है। ये सारा जो सैलरी है ये सब डॉलर में मिलेगा, मालदीप की करेंसी नहीं, USD डॉलर में मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद में स्टीवर्ड भी चाहिए इसके अंदर, एक ये किचन स्टीवर्ड अलग है और स्टीवर्ड अलग है, ठीक है। स्टीवर्ड का सैलरी है 350 और किचन स्टीवर्ड का 300 है, और इसका स्टीवर्ड का $350 सैलरी है, ठीक है। और उसके बाद में इसी में रूम बॉय भी चाहिए जिसका सैलरी रूम बॉय का $350 है। और ये जो सैलरी है 300 और $350 ये USD में मिलेगा, मालदीप की करेंसी में नहीं मिलने वाला है। और आप लोग अगर सोचते होंगे यार कि $1 का कितना होता है, बहुत से नहीं समझ पाते हैं, करेंसी नहीं मालूम होता है, वो लोग गूगल पर जाके लिखो, चेक करो कि ये अमेरिकन डॉलर है, ठीक है, USD और इंडिया की करेंसी कितना होता है, तो उसमें आ जाएगा आपको कि कितना रेट होता है, कि $300 का कितना हो रहा है और $350 का कितना हो रहा है। ये 8 घंटे का ड्यूटी है, 8 घंटे के बाद में जो ये सैलरी है, सैलरी में आपको खाना नहीं है, खाना आपको अलग से देगा, यानी ये सैलरी के बाद प्लस खाना भी कंपनी देने वाली है, ठीक है। और ड्यूटी सारा चीज़ होगा 8 घंटे की, 8 ही घंटे का वहाँ पर ड्यूटी होता है। 8 घंटे के बाद में 3 से 4 घंटा ओवर टाइम होगा। और इस कैटेगरी में कोई भी जॉब में अगर अप्लाई करते हो
तो उसके अंदर इसमें जो है ना मतलब टिप्स उप्स भी अच्छा खासा मिलता रहता है, क्योंकि इसमें जो बाहर फॉरेनर आते हैं रहते हैं वो जब अपना चेकआउट करते हैं तो टिप्स उप देते रहते हैं इसमें, मतलब टिप्स ऊपर से कमाई अच्छा रहता है 5 स्टार होटल में कहीं पर भी काम करो। और मालदीप में तो अक्सर सब फॉरेनर ही रहते हैं और यहाँ पे विजिटर ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ये सैलरी है और ये ड्यूटी है, और उसके बाद में खाना वाना आपको मिलने वाला है। ड्यूटी 8 घंटा है, 8 घंटे के बाद में ओवर टाइम होगा, हफ्ते दिन छुट्टी होगी, ये 2 साल का एग्रीमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा कंपनी देगी, ठीक है। इसमें पासपोर्ट ACR SNR सब कोई भी अप्लाई कर सकता है। और इसके अंदर बस ये एक चीज़ ध्यान लेके चलना है कि पासपोर्ट तो ACR SNR चलेगा, लेकिन इसमें आपको इंग्लिश कम से कम 60% आना चाहिए, 50 नहीं 60% स्पीक इंग्लिश आना चाहिए, ठीक है। इसमें आपको एक वीडियो, इसमें डॉक्यूमेंट में जब आप डॉक्यूमेंट भेजोगे तो डॉक्यूमेंट में आपको पासपोर्ट फर्स्ट लास्ट पेज, एक पासपोर्ट साइज का फ़ोटो और बैकग्राउंड वाइट और वैक्सीन का रिपोर्ट और एक CV, ठीक है। ये सारा चीज़ कोई कंप्यूटर दुकान पे जाके वहाँ से पहले CV रेडी करो, आपका जो प्रोफेशन है, जैसा आप इसमें रूम बॉय में जा रहे हो तो प्रोफेशन रूम बॉय डालो, ठीक है, और रूम बॉय का ही एक्सपीरियंस डालो उसके अंदर, यानी CV बनाओ। तो कोई एक्सपीरियंस लेटर नहीं है तो चलेगा, लेकिन CV के अंदर मेंशन करो आपका एक्सपीरियंस, जो भी फील्ड, ये जो कैटेगरी है इसमें कोई भी अगर CV बनाते हो तो इसमें 3-4 साल का, कोई भी इंडिया का या बाहर पे कहीं पे रह के आया हो तो कोई 5 स्टार होटल का नाम डाल के 2-3 साल 4 साल का एक्सपीरियंस इसमें दिखाना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद में एक CV हो गया, पासपोर्ट फर्स्ट लास्ट पेज हो गया, एक पासपोर्ट साइज का फोटो हो गया, वैक्सीन का रिपोर्ट हो गया। ये मोबाइल से फोटो नहीं खींचना है, कोई कंप्यूटर दुकान से जाके वहाँ से अच्छे से स्कैन करा के एक वीडियो फाइल बना के अपने फ़ोन के अंदर डाल देना है, और एक अच्छी से वीडियो शूट करना है। वीडियो में मतलब एक वीडियो बनाना है जो बैकग्राउंड अच्छा हो और फॉर्मल ड्रेस में हो आप, और उसके बाद में वीडियो कैसा बनाना है, अपना वीडियो के अंदर वीडियो स्टार्ट करो, अपना नाम बताओ, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा नाम ये है और मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा अभी मैं मालदीप में इस काम के लिए मैं जॉब अप्लाई कर रहा हूँ, मेरा प्रोफेशन ये चीज़ है और मैं इस फील्ड में इतने साल का मैं काम किया हूँ, जो CV में आप डालोगे वही चीज़ बताना है, इतने साल का मैं काम किया हूँ और मेरा सैलरी ये है और इस जॉब में मैं जाना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये सारी बात को इंग्लिश में आपको बोलना है, जो जॉब को आप अप्लाई कर रहे हो वो सारा चीज़ जो आप बताओगे, जो काम वही CV के अंदर भी मेंशन होना चाहिए। ऐसा एक एक मिनट 1 मिनट 2 मिनट का एक अच्छे से वीडियो बना के वीडियो और डॉक्यूमेंट के साथ में आपको यहाँ पे जो व्हाट्सअप नंबर है इस पर भेजना है। अब यही चीज़ मैंने जो सारा चीज़ बता दिया हो ना, बहुत सारे आदमी क्या करते हैं, टाइटल नाम देख के वीडियो भगा भगा के नंबर लेके आके खेलते रहते हैं, व्हाट्सअप पे खेलते रहते हैं, उसमें मालूम पड़ा आपका मैसेज कहाँ जा रहा है, कब आपको रिप्लाई मिल रहा है, आपको जब चीज़ समझ में आता है, जब आप डॉक्यूमेंट रेडी करके भेजते हैं तो मालूम पड़ा कि वैकेंसी खत्म हो गया, उसमें आपका मेहनत भी बहुत हो गया, 2-3 दिन से मेहनत कर रहे हो आप, मैसेज कर रहे हो, बात करना चाह रहे हो, क्योंकि बहुत सारा मैसेज हो जाता है। आप अगर वही वीडियो, जब वीडियो मैंने डालता हूँ वैकेंसी, अब वही टाइम पे सारा चीज़ देख लिए, सुन लिए अच्छे से, समझ लिए और डायरेक्ट डॉक्यूमेंट पे फोर्स करें कि अब जाके मैं डॉक्यूमेंट रेडी करूँ अच्छे से, बनाऊँ जैसे सामान की आए, फिर आके मैं कॉन्टेक्ट करूँ, तो आपका फर्स्ट में ही चले जाएगा आपका डॉक्यूमेंट और सिलेक्शन भी 100% हो जाएगा, क्योंकि आप जब तक खेलते हो ना, टाइम वेस्ट करते हो, इतने में बहुत सारे बंदे का जो मतलब जिसको जाना है जेन्युइनली, उनको नीड है जॉब की, वो मतलब डॉक्यूमेंट रेडी करके ही रखते हैं अपने प्रोफेशन का, जो चीज़ में उनको जाना है। तो आप लोग हर वीडियो में बताता हूँ बहुत से आदमी कमेंट करते हैं कि भाई 2-3 मिनट का वीडियो आप 10-15 मिनट लंबा कर देते हो, मैं नहीं चाहता हूँ कि लंबा हो, लेकिन अब मेरा भी तो टाइम वेस्ट हो रहा है, आप लोग के लिए ही वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग के लिए ही सारा कर रहा हूँ कि आप लोग जॉब सर्च करो तो कम से कम हर चीज़ समझ में आए कि कैसे, कोई ज़रूरी नहीं कि आप हमारे रेफरेंस से जाओ, यानी हमारी एजेंसी के थ्रू से जाओ या हमारे हमारे मतलब जो वैकेंसी बताओ यहाँ जाओ, आप कहीं से भी जॉब अप्लाई कर सकते करते हो, अगर हमारा वीडियो आप कंटिन्यू देख रहे होंगे तो आप बहुत सारा चीज़ समझ में आपको आ गया होगा, क्योंकि इससे पहले भी आप कहीं ना कहीं जॉब तो अप्लाई कर रहे होंगे, जॉब आपका सिलेक्शन नहीं होता होगा, रिजेक्ट हो जाता होगा, इंटरव्यू में फेल हो जाते होंगे, क्योंकि आप डॉक्यूमेंट ही ढंग से नहीं रेडी करते हो तो क्या होगा। तो इसी वजह से हम हर वीडियो में बताते रहता हूँ, क्योंकि जो कंटिन्यू हमारा वीडियो देख रहा है उसको तो एक दो वीडियो देखा समझ में आ गया, लेकिन जो नया नया यूजर आते हैं तो कोई भी कभी भी उनको जो वीडियो मिलेगा तो कम से कम एक वीडियो देखे तो उनको समझ में आ जाएगा, इसकी वजह से मैं सारा वीडियो में हर चीज़ बताता हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाता है। तो ये चीज़ मैं आप लोग के लिए कर रहा हूँ, तो आप लोग, मेरा कहने मतलब यही है कि कभी भी वैकेंसी देखो तो पहले पूरा वीडियो देख लिया करो, अच्छे से समझ लिया करो, उसके बाद में पहले डॉक्यूमेंट रेडी करो करो, फिर कॉन्टैक्ट किया करो, और सारे नंबर पे जहाँ पे व्हाट्सअप पे जितना नंबर है सब पे मैसेज ना किया करो, जो वीडियो में नंबर दो जिस काम के लिए, उस काम के लिए उसी नंबर पे कॉन्टैक्ट किया करो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि सारा चीज़ आप लोग के समझ में आ गया होगा, वही सबसे आप रेडी करो अगर जाना है जॉब में, और जो नंबर है इस नंबर को सेव कर लो, वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लो, पहले डॉक्यूमेंट रेडी करो फिर वीडियो एक शूट कर लो, उसके बाद नंबर पे मैसेज करो कि मैंने वीडियो यहाँ देखा हूँ और ये वैकेंसी इसमें मैं जाना चाह रहा हूँ, तो जो सर्विस चार्ज होगा आपका, वीडियो अगर सारा डॉक्यूमेंट आपका रेडी है अच्छे से है तो जो सर्विस चार्ज होगा आपको बता दिया जाएगा कि इसमें अगर जाते हो अप्लाई करता हूँ तो इसका ये सर्विस चार्ज अगर आप पे कर सकते हो तो मैं आगे फॉरवर्ड करती हूँ, कोई भी पेमेंट वेमेंट एडवांस नहीं देना है, वीजा वर्क परमिट होगा, सिलेक्शन होने के बाद आपको मेडिकल करना है, मेडिकल करके आगे का मतलब सारा सिस्टम बताया जाएगा आगे आगे क्या कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है।
बाकी अगर कोई दूसरा वीडियो आप दूसरा कोई जॉब सर्च कर रहे हो तो पुराना वीडियो जाके देख सकते हो, और कम्युनिटी वाला पेज विजिट करो, वहाँ पे हमेशा मैं वैकेंसी डालता रहता हूँ। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक और टेलीग्राम ये सब चलाते हो तो इसका सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन अबाउट वाले पेज में मिल जाएगा, वहाँ पे भी क्लिक करके फॉलो सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि वहाँ पे भी वैकेंसी मैं रोज डालता हूँ। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हो, अभी फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो या पहले से देख रहे हो अभी चैनल तक नहीं सब्सक्राइब करे, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बाकी और कुछ पूछना तो कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, वीडियो के तरह लाइक करना। बाकी अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।